टाइगर जयराम, मैं तो गिरिडीह से खड़े हैं और हम हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो आपसे भी आशीर्वाद चाहते हैं। चुप रहन रहे, ठीक है, तो भाई उसको हवे कर रहे हैं, ऐसा बात थोड़ी है। देखिए टाइगर जयराम, मैं तो झारखंड की एक उम्मीद है और इस उम्मीद को आप सब लोग पंख लगा दीजिए और इसी कबूतर की तरह आसमान में उड़ने के लिए हौसला दीजिए, ठीक है। जय झारखंड, जय झारखंड। से यही कहना चाहते हैं कि नए नौजवानों को अवसर दीजिए, साधारण परिवेश में जो लोग पल पल रहे हैं उन लोगों का अवसर दीजिए। राजनीति अभी सिर्फ एक ही घर में जा रही है, कोई पिता पुत्र बेटा बेटी पति पत्नी दामाद इसी तरीके के लोग सिर्फ राजनीति में अब सक्सेस हो पा रहे हैं, साधारण लोग अब नहीं आ पा रहे। अच्छा ठीक है, जैसे कि आप हम आपको अगर वोट दिए जी, आप जिस प्रकार मिलने आए उस प्रकार आइएगा। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, इस प्रकार सिर्फ मिलने नहीं आएंगे, आपके घर में हम पूछने भी आएंगे कि क्या आप लोगों की समस्या है, क्योंकि आपको एक उदाहरण से बताते हैं। पिछले 3 साल में झारखंड के अंदर हम लोग पूरा कंपनी प्लांट मजदूर सब जगह जाकर के लड़े और आप लोग देखे होंगे कि लगभग 16-17 करोड़ मुआवजा हम लोग दिलाए हैं लड़ लड़ करके। हम लोग FIR भी खाए तमाम आंदोलन में, टाइगर जयराम महतो पर भी FIR हुआ, आपके रिजवान भाई पर भी FIR हुआ, तमाम लोगों पर FIR हुआ, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी लड़ झगड़ करके कंपनी से मुआवजा दिला रहे हैं और पूरा 15-18 दिन से अभी हम घर नहीं गए हैं, जहाँ रात हो रही वहीं रुके हैं, रात में भी बड़का गांव में ही रुके थे। तो अगर इतना हम लोग झारखंड में मेहनत कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को गांव गांव घर घर जा कर के जगा रहे हैं, तो इस बात का पूरा विश्वास रखिए, हम लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि झारखंड की माटी के लिए हम लोग एकदम शहादत देने के लिए सर पर कफन बांध के निकले हैं हम लोग, लेकिन किसी से समझौता नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, इस बात का पूरा भरोसा रखिए। यही हम लोगों की लड़ाई ही है, हम लोग इसी जीत से निकले ही हैं। हम लोग खुद सब जैसे टाइगर जयराम जी हैं PhD कर रहे हैं, आपके हमारे जो हमारे भाई हैं रिजवान वो भी जो है सो PG किए हुए हैं, हम खुद जो है सो LLM किए हुए हैं हाईकोर्ट में, हम भी एडवोकेट हैं। लेकिन हम लोग सारे ऐसे लोग पढ़े लिखे नौजवान क्यों आए, परीक्षा हो रहा है तो घुसखोरी से नौकरी हो रही है, ज़मीन लूट रहे हैं तो पुनर्वास का नीति नहीं है, मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और दूसरे लोग आकर के हमारे नेतृत्व पर भी कब्जा कर ले रहे हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया, तो यहाँ पे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कैसे नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इसी चीज़ की हम लोगों की लड़ाई है, आप लोग साथ दीजिए, बहुत बड़ी लड़ाई है, मोबाइल में आप लोग सब देखते ही होंगे, आप लोग सबको साथ दीजिए, यही कहने आए। ठीक है, ठीक, चलिए। और कहाँ घर हुआ आपका? चलिए तो आएंगे हम फिर। चला चले चलिए गाड़ी गाड़ी मंगवाइए। We'll be right back.
जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो।